का स्वागत है। मैं हूं शाहिद, नए ब्लॉग के साथ और नए वीडियो के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आज का होने वाला है, क्योंकि आज मैं तारीखी जगह पे मौजूद हूं। सबसे पहले तो ये बताते चलो कि मैं जहां पे जिस वक्त खड़ा हूं, वो ऐतिहासिक रोड जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण आज से 1400 साल पहले शेरशाह सूरी, असली नाम फरीद का था, उन्होंने कराया था। उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, रिबिल्ड किया गया है, सड़क का भी चौड़ीकरण किया गया है। खूबसूरती काफी देखने बनती है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस जीटी रोड की कहानी कुछ इस तरह से है, चूंकि काफी ब्यूटीफुल ट्रैक तैयार किया गया है और रोड तैयार की गई है। कोलकाता से दिल्ली को ये रोड जाती है, तकरीबन 1854 किलोमीटर रोड की लंबाई वहां से मेजरमेंट की गई है। उसके बाद फिर ये कन्याकुमारी और NH 33 में जाके कन्वर्ट होती है। कई ब्रांचेस निकले हैं मुख्तलिफ जगहों से, डिफरेंट प्लेसेस से। आज मैं वहां से वीडियो में शूट कर रहा हूं और आ गया हूं एक तोपचांची प्रखंड, धनबाद जिला के अंतर्गत एक प्रखंड है तोपचांची प्रखंड, जहां पे स्थित है एक मज़ार लेदाटांड बस्ती। इस बस्ती के नाम से मशहूर है, यहां पे लेदाटांड मज़ार है और यहां पे कई मज़ारात हैं। ये सबसे पहले जीटी रोड से बिल्कुल सटा हुआ ये मज़ार है, आप देख सकते हैं। मज़ार का ये बाहरी लुक और आउटर सीन है, आप बाहरी व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। बहुत पुराना मज़ार है, जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। इस वक्त मैं यहाँ से वीडियो और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं कि अंदर का क्या व्यू है। मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या कब से ये बाज़ार की शुरुआत हुई और कब से इसका तख्लीक किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ कराते चलूँ, इंट्रोड्यूस कराते चलूँ कि मज़ार का नाम किन के नाम से और किन के लिए ये मज़ार शरीफ, जिनके नाम से यहाँ पे जिनका कब्र है उनके नाम से मैं बताते चलूँ कि ये लेदाटांड बस्ती काफ़ी मशहूर बस्ती है, जहाँ पे अमूमन 4 मार्च और 22 मार्च को कव्वाली का एहतमाम किया जाता है। बड़ी ज़ोरों शोर से कव्वाली होती है, लोग डिफरेंट जगहों से आकर के कव्वाली का मज़ा लेते हैं रात में और इसका लुत्फ लेते हैं। ये 4 मार्च का ये शायद यहाँ पे कव्वाली का आयोजन होता है जो रोड साइड में है, और 22 मार्च का ये कव्वाली का आयोजन होता है वो बस्ती के अंदर है। और इसी मज़ार से इस बस्ती की भी कुछ कहानी जुड़ी हुई है और बस्ती जो फेमस हुआ है इस मज़ार की भी वजह से, चूँकि पूरे झारखंड में इस बस्ती का नाम है, साथ ही साथ इस मज़ार का नाम है। इस मज़ार की वजह से काफ़ी पॉपुलर है ये बस्ती लेदाटांड, मज़ार के ही नाम से लोग अमूमन जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर में कि किन के नाम से ये मज़ार शरीफ है। हजरत बाबा अब्दुल करीम शाह उर्फ अकबर हुदा चौधरी राजा करकरियाँ के नाम से ये मज़ार है, हजरत लेटे हुए हैं बुजुर्गान दीन, उन्हीं के नाम से ये मज़ार का सिलसिला शुरू हुआ। और मज़ार शरीफ की कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं कि फातिहा पढ़कर अंदर घुसे, जूता चप्पल खोल कर घुसे, जिस तरह से इसका अहतमाम और रिस्पेक्ट किया जाता है उसी के अंदाज में आपको यहाँ से प्रवेश होना है। साथ ही साथ बता दें, और इसकी तारीखी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप दिखा सकते हैं कि तारीख वफात इनका, तारीख मतलब विशाल कब का है, 17 जमादी 1393 हिजरी बमुताबिक 18 जुलाई 1973 बरोज 4 शंबा बुध बवक्त 5:55 शाम में इनका विशाल और इंतकाल हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूंगा फिर नए मज़ार जो अंदर का जो बस्ती के अंदर जो मज़ार है उसका डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सब अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मज़ार की क्या खूबसूरती है, जीटी रोड से बिल्कुल सटा हुआ ये मज़ार है, जिसके वजह से अंदर भी मैं घुसने की कोशिश करता हूँ, प्रवेश द्वार जिधर से बनाया गया है, और एक ब्लॉग में बनाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर का व्यू, आप सबों ने देखा मज़ार का क्या सीन है और मज़ार का क्या नज़ारा है, अंदर का व्यू क्या है, बहुत खूबसूरत सा मज़ार है। और लोग बड़ी जोश और शौक के साथ आकर के यहाँ पे मज़ार में फातिहा दरूद पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट रखने वाले लोग भी हैं जो अपनी तमन्नाओं को पूरा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सब नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, फिर अभी मैं और वीडियो तैयार करता हूं, कंटिन्यू हमारे साथ आप बने रहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।